हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, आज मैं आया हूँ एक नई रेसिपी के साथ। नई रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड। आप जानते हैं कि गर्मियाँ बहुत बढ़ गई है और हमें ठंडा और मीठा खाने का मन करता है। तो गाइस, आज मैं लाया हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जिसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाया हुआ है। तो गाइस, वीडियो अंत तक देखिएगा, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और हेल्दी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम समय में ये बन जाता है और अच्छी बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो गाइज, चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। तो गाइज, इसके लिए हमने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, जो हमने गोल्डन क्राउन कंपनी का ले लिया है। आप कोई भी कंपनी ले सकते हो, इसमें मैटर नहीं करता। और इसके लिए हमने कुछ फ्रूट ले लिए हैं, आप अपने पसंद के फ्रूट्स ले सकते हो। तो गाइज, मैंने ले लिया है ग्रेप्स, जो हमने 1/2 कर लिया है, और बनाना ले लिया है, जो हमने 1/2 मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अनार ले लिया है, एप्पल ले लिया है, जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, आप कोई भी कटिंग कर सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिया है, इसमें हमने काजू ले लिया है, बादाम ले लिया है, और अखरोट ले लिया है, और किशमिश ले लिया। आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट ले सकते हो, जो आपको पसंद है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और गाइज, इसके लिए हमने जो नया ट्विस्ट किया है वो है शक्कर। आप इसमें वैसे मैक्सिमम चीनी यूज़ करते हो, आप हनी भी यूज़ कर सकते हो, पर हमने इसमें शक्कर यूज़ की है। तो शक्कर हम इसमें यूज़ करेंगे, और शक्कर से होता क्या है कि शक्कर इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगी चीनी के मुकाबले, तो शक्कर का टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है, डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए अब हम चाहिए दूध। दूध आप काऊ मिल्क भी ले सकते हो, आपको टोन मिल्क या फुल क्रीम, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। और अब हमने ले लिया है एक बर्तन। अभी हमारी गैस जो फ्लेम है वो अभी बंद है। पहले हम इसमें डाल लेंगे 3 कप दूध। 3 कप हम इसमें दूध डाल लेंगे पहले। और गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप क्वांटिटी है, ये मैंने 3 लोगों की क्वांटिटी है, जो आप 2 टाइम खा सकते हो स्वीट डिश, एज ए स्वीट डिश, ज़्यादा भी क्वांटिटी में नहीं, मतलब एक एक कटोरी आराम से 3 लोगों की 2 टाइम हो सकती है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो गाइज, 3 कप हमने इसमें दूध डाल लिया है, और 3 चम्मच ही अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। 3 कस्टर्ड हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, बट मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगा 1 कप। अगर आप चाहे थोड़ा ज़्यादा, अगर आप घना बनाना चाहते हो तो पानी ना ऐड करें। मेरे को थोड़ा हल्का थिकनेस, क्योंकि ज़्यादा थिक भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा थिक भी होगा। तो मैंने 1 कप पानी भी इसमें ऐड करूँगा, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पूरा अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें दाने दाने ना रहें, क्योंकि अगर इसमें दाने दाने रहेंगे तो ये अच्छा दिखने में भी नहीं होगा और खाने में भी फ़र्क पड़ ही जाता है, थोड़ा फटाफटा टाइप लगता है। तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे शक्कर। तो गाइस, शक्कर आप उतनी ही ऐड करें, आप टेस्ट कर सकते हो। शक्कर आप दोबारा ऐड कर सकते हो अगर कम होगा तो, शक्कर आप उतनी ही डालें जितना इसमें ज़रूरत हो, आप मीठा खाते हो। तो गाइस, अब जो है हम कर लेंगे फ्लेम ऑन, गैस हम ओपन कर देंगे, और इसको क्या है कंटिन्यू हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका बॉयल ना आ जाए, तब तक हम इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे, मतलब मिलाते रहेंगे, एक बराबर मिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे भी लग सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि इसको आपको कंटिन्यू चलाना है, और जो इसकी फ्लेम है वो ज़्यादा हाई नहीं करनी है, मीडियम, जब तक बॉयल ना हो जाए तब तक आप इसको थोड़ा कम में। अब मैंने पानी इसमें 1 कप ऐड कर लिया है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो। इसमें आप 2 कप पानी भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो, पर मैंने 1 ही ऐड किया है, तो 1 ही कप पानी इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 इलायची, जो हम कूट के इसमें डाल देंगे। इलायची से होता क्या है, इसका अच्छा फ्लेवर आता है, इलायची का एक अपना फ्लेवर होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है जो भी आप खाना बनाते हो, तो इलायची की एक अपनी खुद की खुशबू होती है बहुत प्यारी सी, तो वो हम इसमें डाल सकते हो। अगर हाँ, आप इसमें सैफ्रन ऐड करना चाहते हो गाइस, तो आप सैफ्रन भी, क्योंकि सैफ्रन बहुत ज़्यादा महंगा है तो होता नहीं है कई बार हमारे पास, तो आप अगर सैफ्रन यूज़ करना चाहोगे तो सैफ्रन भी डाल सकते हो। तो गाइस, अब ये आप देख सकते हो इसका अच्छे से बॉयल हो गया है, मैंने चेक किया था तो मीठा थोड़ा कम लगा मुझे, तो मैंने और इसमें शक्कर ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं हम, तो इसलिए मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मली मीडियम लेवल का, पूरा बराबर लेवल का, तो इसलिए मैंने शक्कर ऐड कर लिया। और दोबारा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो गाइस अच्छे से, और मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया और इसको गैस से उतार लिया है और इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जितने भी फ्रूट्स हैं वो इसमें हम डाल देंगे।
ध्यान रहे फ्रूट गर्मा गर्म में नहीं डालना है। जब आपका ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो थोड़ी देर आपको इसको साइड में रखना है। साइड में रखने के बाद थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तब आप इसमें फ्रूट को डाल दें। अब क्या है कि हम इसको अगर अच्छे से अगर आप अच्छे से ही ठंडा करना चाहते हो एकदम से फ्रिज में तो, पर मैं बोलूँगा कि आप फ्रूट डाल के इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि विदाउट फ्रूट नहीं, पहले फ्रूट को डाल लें अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें करेंगे क्या कि हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से चील्ड हो जाए, अच्छे से ठंडा हो जाए। तो गाइज़ अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, कोई भी छोटे बर्तन में। तो अब हम तैयारी करेंगे कि इसको 2 से 3 घंटे आप हम इसको फ्रिज में रख देंगे, 1 घंटा भी चलेगा, ताकि अच्छा जब तक आपका ये अच्छा से ठंडा हो जाए तब तक आप इसको फ्रिज में रख देंगे ढक्कन लगा के। तो गाइज़ ये हमने लगा दिया है ढक्कन, अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो गाइज़ ये देख सकते हो अच्छे से ठंडा हो गया, और अमायरा को ये बहुत पसंद है, अमायरा काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रही है फ्रूट कस्टर्ड। तो गाइज़ ये थी हमारी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत सिंपल रेसिपी थी गाइज़, आप अच्छे से बना सकते हो और ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज़। और ये हेल्थी रेसिपी भी है, अच्छी रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट आप ज़रूर कीजिए, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे गाइज़, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। और गाइज़ हम ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय हमारी वीडियोज़ के लिए देते हैं गाइज़। और गाइज ऐसे ही मिलते रहेंगे हम नई नई वीडियोस के साथ, रेसिपी और अलग अलग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ गाइज कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।